Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 2, Fraction and Decimal of Class 7. This chapter ki example question hai. Next is example number 7. The side of an equilateral triangle is 3.5 cm. Find its parameter. Ek equilateral triangle ki jo sides hai, wo 3.5 cm ki length hai unki. Hame us triangle ka parameter nikalna hai. Equilateral triangle hamara kaun sa hota hai, jiski tino sides equal hoti hai. ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी एंड ये वाली साइड भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी. हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है. पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कि हम जो भी हमें साइड दी हुई है, साइड की जो भी लेंथ दी हुई है उसकी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि साइड की लेंथ कितनी है हमारी 3.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक होल नंबर है एक डेसिमल नंबर है. पहले हम इस नंबर में से डेसिमल हटाएंगे. यहां से जब हम डेसिमल हटा देंगे ये हो जाएगा 3.5 है. ऐसे डेसिमल हटा के नीचे 1 के साथ एक जीरो आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर था. अब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 से. हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 का 5 यहां कैरी जाएगा 1, 3 3 जा 9, 9 plus 1 is equals to 10. ये क्या हो जाएगा 105 upon 10. डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो ऐसी की ऐसी आएगी. अब हम इसमें से डिनोमिनेटर में से 10 हटाएंगे. यानी कि हमें इसमें दोबारा डेसिमल लगाना होगा. डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, 10 में एक जीरो है तो हम अपने लेफ्ट राइट हैंड साइड से नंबर काउंट करेंगे एंड एक नंबर पहले हम जीरो लगा देंगे. 105 है, यहां से एक नंबर देखेंगे, यहां हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. सो आंसर क्या होगा 10.5. यानी कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी साइड है 3.5 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर होगा 10.5 सेंटीमीटर. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 7. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 8. The length of a rectangle is 7.1 cm and its breadth is 2.5 cm. What is the area of rectangle? एक हमें rectangle की length दी हुई है. Length है इसकी 7.1 cm and breadth है 2.5 cm. यानी कि लंबाई है 7.1 cm और चौड़ाई है 2.5 cm. हमें उस rectangle का area बताना है कि इसका area कितना होगा. So rectangle का area कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ की मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रेथ से. लेंथ कितनी है हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर. दैट मींस कि हमें 7.1 की मल्टीप्लाई करनी है 2.5 से. अब ये दोनों हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों का डेसिमल हटाएंगे. यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा एंड इस पे से भी डेसिमल हटाएंगे यहां भी नीचे 10 आएगा. अब सिंपल हम 71 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. ये हो जाएगा 5 1 5 5 7 35 35 का 5 यहां आएगा हमारा 35. नेक्स्ट यहां पे हम कोई नंबर नहीं लेंगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 2 एंड 2 7 14 दोनों को प्लस करेंगे 5. 5 plus 2 is equals to 7, 3 plus 4 is equals to 7 and ये हो जाएगा 1. मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास 1775 एंड यहाँ पे 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 100. यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 1775 upon 100. अब हम इसमें नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है. 100 का जब हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो सिंपल दो नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे. इधर से दो नंबर काउंट करेंगे 1 एंड 2. यहां पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट. ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हमने दोनों सेंटीमीटर की वैल्यू मल्टीप्लाई करी है तो हमारा सेंटीमीटर की पावर भी डबल हो जाएगी. सो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 8. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.
आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माई चैनल।